2023 स्टार्ट हो चुका है और आप नए साल में कार खरीदने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके ही लिए है। इस वीडियो में हम अपकमिंग 15 कार के बारे में बात करने वाले हैं जो 2023 में लॉन्च होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर वन पर है मारुति सुजुकी जिम्नी 5-डोर। ये एक ऑफरोडिंग एसयूवी है और इसे टेस्टिंग के दौरान इंडिया में कई बार देखा गया है और 2023 में ही ये लॉन्च होने वाली है। और इसके लॉन्च हो जाने के बाद इसका डायरेक्ट कंपटीशन महिंद्रा थार से होने वाला है और हमें इसमें 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। ये एक ऑफरोडिंग एसयूवी है और ये 4x4 के साथ आएगी और अब हमें ये देखना है कि थार को किस हद तक कॉम्पिटिशन दे पाती है। और सेकेंड गाड़ी है 5-डोर महिंद्रा थार। जब मारुति अपनी 5-डोर जिम्नी को लॉन्च कर रहे हैं तो महिंद्रा कैसे पीछे रह सकते हैं। न्यू 5-डोर थार में हमें करंट थार के मुकाबले काफी ज्यादा स्पेस मिलने वाली है। और हम इसके इंजन ऑप्शंस की बात करें तो हमें इसमें इंजन सेम वही पुराने वाले ही मिलेंगे पर गाड़ी का साइज बढ़ जाएगा और 3-डोर की जगह 5-डोर हो जाएंगे। बाकी पूरी गाड़ियों का डिजाइन सेम वही रहने वाला है। और थर्ड नंबर पर है महिंद्रा XUV400। ये XUV300 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन है और इसे टाटा नेक्सॉन ईवी के अगेंस्ट लॉन्च किया जा रहा है। महिंद्रा ने इसे 2022 में ही अनवील कर दिया था और अब 2023 में इसका लॉन्च होने वाला है। हमें इसमें 450 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और हम इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस भी टाटा नेक्सॉन के बराबर ही रहने वाली है। और फोर्थ नंबर पर है ह्यूंडई क्रेटा। बहुत जल्द ही क्रेटा का भी फेसलिफ्ट वर्जन इंडिया में लॉन्च होने वाला है। इसमें हमें कई सारे बड़े अपडेट मिलने वाले हैं। इसकी फ्रंट लुक ह्यूंडई टूसोन से इंस्पायर रहने वाली है और हमें इसमें कई सारे न्यू फीचर भी मिलने वाले हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा, ADAS, वेंटिलेटेड सीट, ऐसे कई सारे फीचर्स को इसमें ऐड किया जाएगा। और नंबर फिफ्थ पर एक नहीं दो गाड़ियां हैं, टाटा हैरियर और सफारी। ये दोनों गाड़ियों का फेसलिफ्ट बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाला है जिसमें हमें कई सारे अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें हमें अब पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अभी तक हैरियर और सफारी में हमें सिर्फ डीजल इंजन का ही ऑप्शन मिलता था लेकिन इसके फेसलिफ्ट लॉन्च होने के बाद हमें इसमें पेट्रोल इंजन का भी ऑप्शन मिल जाएगा और इसमें कई सारे न्यू फीचर्स को भी ऐड किया जाएगा जैसे 360 डिग्री कैमरा, ADAS, वेंटिलेटेड सीट, न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑल व्हील ड्राइव, ऐसे कई सारे फीचर्स को इसमें ऐड किया जाएगा। और सिक्स नंबर पर है मारुति सुजुकी YTV। YTV इसका कोड नेम है और इसे बलेनो क्रॉस भी कहा जा रहा है जिसको टेस्टिंग के दौरान कई बार देखा गया है। ये बलेनो के ऊपर बेस्ड रहने वाली है और इसकी लुक्स भी बलेनो से ही इंस्पायर रहेगी। ये दिखने में एक SUV की तरह रहने वाली है और हमें इसमें बलेनो से ज्यादा पावर और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाला है। और कहा जा रहा है कि ये मारुति सुजुकी एस क्रॉस को रिप्लेस करने वाली है और बाकी डिटेल तो हमें इसके लॉन्च होने के टाइम ही पता चलेगी। सेवंथ पोजीशन पर है MG हेक्टर का फेसलिफ्ट। MG ने इसके फेसलिफ्ट का टीजर लॉन्च किया है जिसमें ये काफी प्रीमियम लग रही है, जिसमें इसकी फ्रंट ग्रिल को पहले से पूरी तरह चेंज कर दिया गया है और ये पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम लग रही है। और हमें इसके इंटीरियर में 14 इंच की न्यू इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है और अब कंपनी ने इसमें ADAS लेवल 2 को भी ऐड कर दिया है जो एक फ्यूचरिस्टिक फीचर है। और बाकी इंजन ऑप्शन हमें सेम वही पुराने वाले ही मिलने वाले हैं। और 8th नंबर पर है ह्यूंडई केस्पर। ये ह्यूंडई की एक माइक्रो SUV है जो बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च होने वाली है और इसके लॉन्च होने के बाद इसका डायरेक्ट कंपटीशन टाटा पंच से होने वाला है। अब देखना यह है कि ये पंच को किस हद तक कंपटीशन दे पाती है क्योंकि पंच हमेशा टॉप बेस्ट सेलिंग कार की लिस्ट में हमेशा रहती है और पंच की 10,000 यूनिट हर महीने आराम से बिक जाती है जो बहुत ही बड़ा नंबर है। 9th नंबर पर है किया सेल्टोस। सेल्टोस के फेसलिफ्ट को ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च कर दिया गया है और अब बहुत जल्द ही ये इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है जिसमें हमें पहले से ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलती है और इसकी ग्रिल और इसके एलॉय की डिजाइन को पहले से पूरी तरह बदल दिया गया है और इसमें एक और न्यू कलर को ऐड कर लिया गया है जो काफी प्रीमियम लग रहा है। और 10th नंबर पर है ह्यूंडई वर्ना। वर्ना की टेस्टिंग इंडिया में काफी टाइम से चल रही है और टेस्टिंग के दौरान इंडिया में इसे कई बार देखा गया है। वर्ना अब लुक्स के मामले में इलेंट्रा से इंस्पायर लगती है। इसके लुक्स को पहले से पूरी तरह बदल दिया जाएगा और अब इसकी लुक्स पहले से काफी ज्यादा प्रीमियम हो गई है और अब ह्यूंडई वर्ना में कई सारे फीचर्स को भी ऐड किया जाएगा और इसके प्राइस भी पहले से इंक्रीज हो जाएंगे। 11th नंबर पर है होंडा सिटी। होंडा की ये सिडान डीजल और पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मार्केट में अवेलेबल है लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि होंडा इसके डीजल इंजन को डिसकंटिन्यू करने वाले हैं और अब ये सिर्फ पेट्रोल इंजन और हाइब्रिड इंजन के साथ ही लॉन्च होने वाली है। और इसके हाइब्रिड इंजन में हमें 28 के MPL का माइलेज मिल जाएगा जो काफी शानदार है और अब हमें इसमें 360 डिग्री कैमरा और ADAS जैसे फीचर्स भी मिलने वाले हैं। और 12th नंबर पर है रेनो की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम SUV रेनो अर्काना। ये एक कूपे SUV है जो ग्लोबल मार्केट
में पहले से ही अवेलेबल है और अब ये बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है। इसे टेस्टिंग के दौरान विथाउट कैमोफ्लेक के इंडिया में देखा गया है। ये रेनो की तरफ से आने वाली एक कूपे एसयूवी है जो देखने में काफी प्रीमियम लगती है और ये एक बजटेबल कूपे एसयूवी रहने वाली है। 13th नंबर पर है होंडा की तरफ से आने वाली न्यू एसयूवी WRV। होंडा ने इसे ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है और अब ये बहुत जल्द इंडिया में भी लॉन्च होने वाली है और इसकी लुक्स काफी डिसेंट है। पुरानी WRV के मुकाबले हमें इसमें कई सारे बड़े अपडेट मिलने वाले हैं और हमें इसमें एडास जैसा फ्यूचरिस्टिक फीचर भी मिलने वाला है। 14th नंबर पर है सिट्रोइन की C3 EV। ये C3 का ही एक इलेक्ट्रिक वर्जन है और सिट्रोइन ने C3 को पिछले साल इंडिया में लॉन्च किया था पर ये कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और अब इसी के इलेक्ट्रिक वर्जन को लॉन्च किया जा रहा है और ये 10 से 12 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस में लॉन्च होने वाली है। और अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रिक के सेगमेंट में क्या धमाल मचाती है। और 15th नंबर पर है Hyundai Ioniq 5। ये Hyundai की तरफ से आने वाली एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV है और इसे Kia EV6 के सामने उतारा जा रहा है और Hyundai ने इसकी बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है और हमें इसमें 72.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक मिलता है। और हम इसमें मिलने वाली क्लेम रेंज की बात करें तो हमें इसमें 631 किलोमीटर की रेंज मिल जाएगी जो बहुत ही अच्छी रेंज है और हमें इसमें कई सारे अमेजिंग फीचर्स भी मिल जाते हैं। तो ये थी आज की अपकमिंग 15 कार और आपको इनमें से कौन सी कार पसंद आई है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह गाड़ियों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा आपको मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।